नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ अपडेट के बारे में जो कि भारतीय सेना के प्रोक्योरमेंट को लेके है। हालांकि जो एक तरफ आत्मनिर्भरता की बात है वो काफी जोर शोर से चल रही है, वहीं पे जो दूसरी तरफ काफी की प्रोक्योरमेंट हो रहे हैं उन पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेंगे 30 सी गार्डियन के प्रोक्योरमेंट को लेके, जो कि अमेरिकन ड्रोन है, आप जानते होंगे, जिससे आप प्रीडेटर बी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि MQ-9 रिपर। तो इसके तकरीबन 30 यूनिट प्रोक्योर किए जाएंगे इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी के लिए। तो यही ओरिजिनल प्लान था, जहाँ पे IAF के लिए तकरीबन 100 जो प्रीडेटर सी हैं यानी कि अवेंजर ड्रोन्स, वो प्रोक्योर किए जाने थे, और 30 का जो नंबर है MQ-9 रिपर का, वो आर्मी और नेवी के लिए था। तो यहाँ पे IAF के लिए जो 100 ड्रोन की रिक्वायरमेंट थी इस तरह के, उसको कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। जो भी सर्वेलेंस या फिर रिकॉग्निशंस के रोल होंगे उन रोल्स के लिए भारत का जो रुस्तम 2 है वो प्रोक्योर करेगी IAF। और ये जो 30 अमेरिकन ड्रोन प्रोक्योर किए जा रहे हैं प्रीडेटर बी के रूप में, यानी कि MQ-9 रिपर के रूप में, तो ये तीनों जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे पॉसिबली। और जो 100 की रिक्वायरमेंट है IAF की, हो सकता है उसको तापस BH से यानी कि हमारे रुस्तम 2 से रिप्लेस किया जाएगा। तो इसको लेके ऐसी खबर है कि तकरीबन 30 ऐसे ड्रोन की प्रोक्योरमेंट को लेके जो क्लियरेंस है वो दे दिया गया है MOD की तरफ से। वैसे इसको लेके जो नेगोशिएशन है वो काफ़ी दिनों से चल रहे थे, और ऐसा सामने आ रहा है कि इस डील की जो लागत है वो तकरीबन $3 बिलियन है, यानी कि 21,000 करोड़ रुपये, जो कि सिर्फ 30 ड्रोन के लिए है। तो आपको एक ड्रोन तकरीबन 700 करोड़ रुपए का पड़ेगा। तो यहाँ पे ये काफ़ी ऑब्वियस है कि ये जो डील है वो काफ़ी महंगी है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट है आर्म ड्रोन की जिसकी जो रेंज हो लंबी हो। तो यहाँ पे जो इसकी रेंज रहने वाली है वो तकरीबन 1900 किलोमीटर रहेगी, और जहाँ तक एंड्योरेंस की बात है वो 14 से 15 hours की है। जबकि ये जो MQ-9 है ये 4 हेलफायर मिसाइल्स को कैरी करने में सक्षम है, जो कि एयर टू ग्राउंड काफ़ी प्रिसाइज मिसाइल्स हैं। और वहीं पे इन 4 हेलफायर के अलावा 2 जो लेजर गाइडेड बॉम्ब्स हैं उनको भी ये कैरी करते हैं। सो इसको लेके ऐसी खबर है कि इसको क्लियर कर दिया गया है। बात करते हैं अगले अपडेट की, जो कि इंडियन आर्मी की तरफ से, जहाँ पे इंडियन आर्मी ने एक RFP निकाला है जिसके अंतर्गत वो प्रोक्योर करने जा रहे हैं भारत के LNT और माइक्रोनल द्वारा बनाया गया मनूवरेबल एक्सपेंडेबल जो एरियल टारगेट है यानी कि MEAT, उसको प्रोक्योर करने जा रही है इंडियन आर्मी। तो ये भारत की प्राइवेट कंपनी LNT ने बनाया है, जो कि MEK-2 कैटेगरी के अंदर बनाया था, मतलब अपने पैसे डाल के ये फंड किया था उन्होंने। और इसके प्रोक्योरमेंट के लिए जो RFP है वो निकाला गया है। यहाँ पर जो मनूवरेबल एक्सपेंडेबल व्हीकल है ये आर्मी इसलिए प्रोक्योर कर रही है ताकि अगर किसी सिनेरियो में अगर दुश्मन का फाइटर जेट आ जाता है तो उसको सिमुलेट किया जा सके और प्रैक्टिस की जा सके कि किस तरह से उस फाइटर जेट को हिट करना है। तो वहाँ पे उस रोल में ये टारगेट के रूप में काम करेगा ये जो MEAT है। आर्मी का अगर रिक्वायरमेंट देखते हो तो जो MEAT की स्पीड होनी चाहिए वो 400 किलोमीटर/hour से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब एटलीस्ट जो सबसोनिक स्पीड है वो डिमांड में थी इस MEAT के लिए। जहाँ तक बात है एंड्योरेंस की, तो कम से कम 30 मिनट का जो एंड्योरेंस है यानी कि एयर में ये रहना चाहिए ये MEAT, तो ये भी एक रिक्वायरमेंट थी। और जो मिनिमम ऑल्टीट्यूड ये MEAT फ्लाई करना चाहिए वो 20 मिनट का होना चाहिए, मैक्सिमम 5000 जो मीटर है वो ऑल्टीट्यूड ये अचीव करना चाहिए। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट थी। जबकि बात करोगे इसके रेंज की, तो यहाँ पे जो MEAT की रेंज है वो 75 किलोमीटर से ऊपर की है। तो हर तरह के सिनेरियो को प्रैक्टिस में लाने के लिए ये जो MEAT है वो बनाया गया है। तो माइक्रोनल ग्लोबल इंजीनियरिंग, जो कि एक बेंगलोर बेस्ड फर्म है, और LNT ने मिलकर ये तैयार किया है। बात कर लोगे अगले अपडेट की, जो कि एक हैंड लॉन्च्ड UAV को लेके है, जहाँ पे कुछ रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी प्रोक्योर करने जा रही है तकरीबन 200 के नंबर में जो US का RQ-11 है उसको, जो कि एक हाथ से लॉन्च किया जाने वाला ड्रोन है, रेवन के नाम से भी आप जानते हैं इसे। डेवलप किया गया था यह 2002 में, तकरीबन 2 किलो का यह ड्रोन है। बात करोगे एंड्योरेंस की, तो इसको जो एंड्योरेंस है वो 90 मिनट तक की है मैक्सिमम, और जो ऑपरेशनल रेडियस है वो 10 किलोमीटर तक का है। सो इस तरह के 200 यूनिट प्रोक्योर किए जा रहे हैं। बात करोगे यूनिट कॉस्ट की, तो इसकी जो यूनिट कॉस्ट है वो आपको तकरीबन पड़ती है $175,000, जिसमें तकरीबन 4 UAV होते हैं, 2 आपको GCS मिल जाएगा और कुछ स्पेयर पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो इसके एक यूनिट की कॉस्ट इतनी है, जहाँ पे आपको 4 जो UAV हैं वो मिल रहे हैं। बात करोगे ऑल्टीट्यूड की, तो मैक्सिमम तकरीबन 150 तक का जो ऑल्टीट्यूड है वो ये अचीव कर सकता है। स्पीड की बात करोगे तो 45 से लेके 100 KMPH की जो इसकी स्पीड है वो ये अचीव करता है। तो बेसिकली ये एक इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा पावर किया जाने वाला ड्रोन है, जिसमें जो CCD कलर कैमरा है वो दिया गया है, साथ में जो IR विजन है वो इंक्लूड किया गया है। तो हो सकता है आर्मी को लेके, जो कि एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन है, उनके लिए प्रोक्योर किए जा रहे हों, क्योंकि इसमें जो डेटा लिंक है कम्युनिकेशन के लिए वो भी दिया गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।